Hey guys, welcome back to my channel. This is your friend Mayank Purohit और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने मोबाइल में फोटोशॉप के जैसे अपनी फ़ोटो एज अ प्रो कैसे एडिट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर लिया हो इस चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो एडिट करने वाला हूँ वो फ़ोटो बता देता हूँ, और इस फ़ोटो को आप ध्यान से देख लीजिए। ये मेरी फ़ोटो है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद ये जो स्नैपसीड एप्लीकेशन है ये आपको प्ले स्टोर पर ईजिली अवेलेबल है। इससे मैं अधिकतर अपने फ़ोटोज़ एडिट करता हूँ, तो इसमें मैंने अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके अंदर पहले से इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे पोर्ट्रेट्स है, लास्ट एडिट भी जो आपने लास्ट एडिट करा है वो डायरेक्ट बता देगा। पोर्ट्रेट स्मूथ करना हो, पॉप, एसेंचुएट, फेड करना हो, मॉर्निंग, ब्राइट, फाइन आर्ट, ब्लैक एंड वाइट, सारे ऑप्शन है। अगर आपको डायरेक्ट ही कोई फ़िल्टर पसंद आता है तो आप डायरेक्ट ही उसी को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई अच्छा नहीं लगता है फ़िल्टर, तो आप मैन्युअली भी अपना फ़िल्टर खुद ही बना सकते हैं। तो मुझे सबसे पहले ये एसेंचुएट वाला फ़िल्टर अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें आपकी ब्राइटनेस इंक्रीज होती है, कलर ग्रेडिंग हो जाती है अपने आप। तो अब इसके बाद आपको इसमें टूल्स में जाना है, और टूल्स में यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं जिससे आप अपने फ़ोटो को और इम्प्रूव कर सकते हैं, दिखने में उसको और अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि इसका ग्लैमर, टोटल कॉन्ट्रास्ट, ड्रामा, विंटेज, HDR कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे आपको एडिट करने हैं, कर्व कर सकते हैं, वाइट बैलेंस बढ़ा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, फ्रेम लगा सकते हैं, जैसे कि ये सारी फ्रेम्स हैं। तो मैं अभी कोई फ्रेम यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मैं अभी आपको डायरेक्ट मैन्युअली कैसे एडिट करते हैं फ़ोटो को वो बता रहा हूँ। तो इसको ट्यून इमेज में आप सिलेक्ट करें, और यहाँ से अगर आप यहाँ डायरेक्ट एडिट वाले ऑप्शन पर दबाएंगे तो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा फ़ोटो। इस ऐप के अकॉर्डिंग आपका फ़ोटो में जो भी ब्राइटनेस जितनी है, जिसे इसने -3 कर दिया है, इसे कॉन्ट्रास्ट +3 कर दिया है, बाकी सारा इसको अच्छा लगा तो इसने 0 पे रहने दिया और वार्म कर दिया है -1। तो अगर आप ऐसा नहीं करके इसको मैन्युअली एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ब्राइटनेस सिलेक्ट करें, और यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आप कर सकते हैं। तो ब्राइटनेस मुझे +5 पे रख देता हूँ। कॉन्ट्रास्ट ऑलरेडी इसने +3 कर दिया है, तो अकॉर्डिंग अच्छा ही लग रहा है क्योंकि कलर सारे उभर के आ रहे हैं। तो सेचुरेशन इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एम्बियंस भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं +5। इससे क्या होता है कि इससे आपके जो कलर्स है फ़ोटो में, जो कलर्स है वो और निखर के शो होते हैं। हाईलाइट कर सकते हैं, जो आपकी फ़ोटो में अगर डार्क है तो उसको लाइट कर सकते हैं। अभी ये फ़ोटो में प्रॉपर लाइट है तो इसको रहने देते हैं। और शेडो में जो आपका फ़ोटो का जो डार्क पोर्शन है उसकी शेडो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, थोड़ा और शार्पनेस आएगी आपकी फ़ोटो में, और वार्म की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आप नीचे टिक पे क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। और सबसे मेन बात यहाँ की इस ऐप की ये है कि आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो इसकी सेम क्वालिटी में ये एक्सपोर्ट होता है, बाकी अदर्स ऐप में फ़ोटो की क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो इसको सेव एज कॉपी भी कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी भी चेंज कर सकते हैं आप। तो मैं डायरेक्ट सेव कर देता हूँ, और देख सकते हैं आप ये पोर्ट्रेट, HDR, सारे इसके जो फंक्शन है सबको लेके इसकी साइज़ डिसाइड करता है और प्रॉपर फ़ोटो सेव करता है। तो अब मैं ये फ़ोटो आपको दिखाता हूँ जो एडिट हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, पहले वाला फ़ोटो अगर आपने ध्यान से देखा हो और अब ये वाला फ़ोटो देखिए, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और फ़ोटो का कितना अच्छा व्यू मिल रहा है आपको, फ़ोटो कितना बेटर हो चुका है। तो मैं अभी आपको एक कोलाज दिखा देता हूँ इसी का, तो आपको डायरेक्ट कंपैरिजन करने में इजीली रहेगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे अपने सुझाव ज़रूर बताना, क्योंकि इस चैनल पे आगे इंस्टाग्राम टिप्स एंड ट्रिक्स, व्हाट्सएप हैक्स, और मेरे जो इंटरेस्टिंग व्लॉग्स है वो आने वाले हैं। और इनके अलावा भी आपको और किसी ट्यूटोरियल, और किसी चीज़ का ट्यूटोरियल चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।